सिंगिंग शो बनाने जा रहे हैं, नॉलेज है आपको सिंगिंग की कोई? नॉलेज? सुदेश जी, हाँ जी, आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अनूप जी को बुलाऊंगा। अनूप जी यकीन नहीं, नहीं मुझे पता है ये यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ये सुदेश जी वो है, मैं वो बोला। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी क्लासिकल गाते थे और उनका स्वैग जो था ना वो रैपर वाला था, मतलब वो ऐसे हारमोनियम पे ऐसे गा रहे थे तो दो उंगलियां उनमें फंस गई, तो फिर वो ऐसे तो अब वो क्लासिकल भी गाते थे ना तो स्टाइल उनका वही था, स स स नि द ब म प प ख म र ख ग म म नि द ता ता या या। तो ये सुदेश जी मुझे सिर्फ एक मौका आप दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा चढ़ूंगा। खरा चढ़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा। पहले मैं चढ़ तो जाऊं फिर मैं उतर भी जाऊंगा। चलो अब सिंगिंग की बात चली है तो अनूप जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो इसलिए इनको बताऊंगा। मैं करूंगा यकीन। नहीं नहीं करूंगा सर, वो थोड़ी सी दूसरी बात है आ रही। सुदेश जल्दी को बताओ, मैं उनको बता दूं। चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं उनको बता दूं। चलो शैलेंद्र जी मेरे नाना जी बहुत सुरीले थे, उनका जब कोई गाना सुनता था होश उड़ जाते थे, प्यार में इतने, लोगों की बात छोड़ो, एक बार जंगल में गा रहे थे, सांप इतने मस्त हो गए, इतना प्यार दिया ना, कभी इधर चुम्मी इधर प्यार इधर पप्पी, मतलब उनको वो इतने खुशी हुए ना, खुशी खुशी में डस रहे होंगे सांप। 10 होंगे या 20 होंगे हमने गिने नहीं। वो मतलब जो उन्होंने प्यार दिया ना, उन्होंने प्राण त्याग दिए खुशी, और वो सफाई का बड़ा ध्यान देते थे, जब वो मरे ना तो ब्रश किया उन्होंने जाते जाते। ब्रश कैसे, मतलब हैं कैसे ब्रश किया? पता नहीं झाग निकल रही थी, मैं देखा इधर। अरे सांप ने काटा तो झाग ही निकलेगी। छोड़ो किन चक्र में पड़ गए हैं सर। तो सुदेश जी आपका गाना इतना हिट हुआ है, चुमा चुमा देंगे, आज जितने क्लासिकल सिंगर हैं वो भी गाते हैं चुमा चुमा दे दे। बिल्कुल बनेंगे, जज बनेंगे, जज बनेंगे सर, जज बनेंगे। कपिल मेरे शो में जज आ जाए, इतनी खुशी है। थैंक यू अर्चना जी। सर जी कुछ अफवाहें हैं, हम तो बिलीव नहीं करते, हम सामने से पूछते हैं। अनूप सर एक आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपको भजन सम्राट के नाम से जानते हैं, तो अफवाह ये है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको देखते ही बार टेंडर जो ड्रिंक सर्व कर रहा होता है वो फटाफट हटा के नारियल पानी बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि वो क्या करता है कि वो नारियल लेके आता है उसमें विस्की डाल के देता है मुझे। अर्चना जी तो मेरे को एक बार कह रही थी, कहती तुम्हें पता नहीं है अब तो 2000 के बाद ये चेंज हुआ शायद, बोल रही थी कि पहले कहते 90s में अनूप जी जहां भी जाते थे अगरबत्तियां अपने आप जल जाती थी। आप भी अपनी बोतल रख लो ऊपर, क्या है? हाँ आप भी निकाल के रख लो बाहर। अच्छा हो गया फिनिश, खत्म हो गया। सुदेश जी आपके बारे में ये अफवाह है, हम सब जानते हैं सुदेश जी पेंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है ना, गाना तो गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, कोई तो मुझे ये बोल रहा था लैपटॉप भी ठीक कर लेते हैं। हैं? खामोश। हाँ बोल रहा। तो फवा ये है कि कॉलेज के दिनों में लड़कों की पेंटिंग आप 5 मिनट में बना देते थे और लड़कियों की 4-4 दिन लगाते थे। डिटेलिंग ज्यादा होती। अफवाह ये है कि आपके घर मेहमान आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी भी आवाज ना पकड़ लो। कुछ कुछ लोग डरते हैं, मेहमान तो नहीं डरते, मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ लोग बड़ी बड़ी मतलब अपने बच्चों को हेकते ना हफ्ते कि बच्चन साहब हमारे पहचान वाले हैं, हम रोज मिलते हैं, तो बच्चे बोलते बात कराओ, तब ऐसे टाइम पे मैं काम आता हूँ। और कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक उसी बेचारे। अच्छा, इल्यूजन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ, मतलब मेरा ही गाना गवाना था अमित जी को, रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने, अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे, तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी वरना मुश्किल है। तो सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो, ये जोक नहीं है, फैक्ट है। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन रख दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप है? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। इसके बाद दूसरे दिन
हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग में. मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मॉनिटर रूम में. अमित जी बैठे हैं, मुझे कर रहे हैं जरा ये करो वो करो. इतने में देख रहा हूँ कि अमित जी किसी को देख कर ऐसे तो सपना जी उधर माफी मांगने आई थी. सर सर सर. और वो गा रहे हाँ सुदेश. अच्छा तो हम सुदेश भोसले हर दो मिनट में उसको तंग कर रहे थे. हाँ और फिर ऐसा हुआ कि मिठुन दा बहुत चैरिटी वगैरह करते बंगाल में. तो उन्होंने उनको ये ख्याल आया कि हम लोग काफी शोज करते साथ में. तो सपना मुखर्जी मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए. तो उन्होंने अभी उनका फोन करना कब होगा रात के 2 बजे. तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया. फोन मिले हेलो. बोले हेलो मुन्ना दा अमी अमी मिठुन दा. सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं. अरे क्या सुदेश भोसले. अरे मैं मिठुन दा बोलते. सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या. अरे क्या यार तुम. वो कन्विंस हो गए कैसे से. कट टू सपना जी को फोन किया. स्वप्ना हम मिठुन दा. सुदेश टाइम तो देखो. अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है. सुदेश 2:30 बज गए ये वक्त है फोन करने का. और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर. सारे हंस रहे हैं कि मैं यार मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके. तो ऐसे किस्से होते रहते हैं. पर आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सासू माँ आई हुई हो और आप बच्चन साहब की आवाज़ आई आई देवी जी आई. अच्छा मैं आपको बता दूँ सासू माँ के बारे में. बीच में ये कुछ ऑनलाइटिस का मतलब तकलीफ हुई थी तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा. तो वो बिचारी मुझे वो कुछ मशीन से कर रही है. इतने में उसका ये मेरी हड्डी दब गई. तो मैंने कहा हाँ. तो बोल अया सेम अमिताभ बच्चन. उसने वहीं पे पैकअप करके मुझे ये मैंने नहीं किया था अपने आप निकल गया. तो सुदेश सर आप इतनी आवाजें निकालते हैं ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये वाली रखूंगा. आई मीन अपनी वाली रखी नहीं. क्या बात है यार क्या फनकार है सर आप. लव यू सर. सर आपके पड़ोस में कुछ लड़के LLB की पढ़ाई करते थे. तो फवा ये है कि LLB पूरी होते ही पहला केस उन्होंने आप पे किया क्योंकि आपके रियाज के चक्कर में उनकी LLB 8 साल लेट हुई. एक्चुअली ये फैक्ट है. क्या हुआ उस वक्त हमारे पिताजी की बिल्डिंग थी लेकिन वो जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ना चार खोलियां इधर खोली बोलते चार खोलियां इधर चार कमरे इधर बीच में कॉमन टॉयलेट. राइट. अब मेरा ऐसा अंदर घुसूं तो 1.5-2 घंटे बाहर नहीं निकलूं क्योंकि किशोर कुमार मोहम्मद रफी मुकेश जी अमिताभ बच्चन सब रियाज करके बाहर निकलता था. और बिल्कुल पीछे ना एक लीडर थे बेचारे LLB की परीक्षा दे रहे थे. साउथ इंडियन थे मतलब एक्चुअली वो है मैं आज यहाँ बैठा हूँ. क्यों मैं बता रहा हूँ आपको. तो उन्होंने उनका नाम भी बताता हूँ मिस्टर पिल्ले साहब कॉरपोरेटर थे हमारे गोरेगांव के. उनका पढ़ाई का टाइम और मेरे टॉयलेट का टाइम एक ही. और शर्म नहीं होती थी ना कम उम्र में. तो अपनी वाइफ को बोलते ये क्या रे ये बौसले का लड़का दिन भर चिल्लाते रहते इसको कुछ काम वाम पे लगा. वो जो उनकी पत्नी थी उनकी जो बहन है उनके बेटे मास्टर राजू मास्टर बिट्टू जो बचपन में जंजीर अमिताभ बने हैं और राजू और बिट्टू. मेरी शुरुआत कैसे हुई कि ये जो उस वक्त जो मास्टर्स का बड़ा मतलब क्रेज था मास्टर मयूर फिर बेबी राखी मिनी तबस्सुम ये लोग क्या करते थे ना पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जाके ना शोज करते थे. कौन से शोज रिकॉर्ड डांस फेमस था उस वक्त. अच्छा कोई गाना लगा था वो सेम कॉस्ट्यूम में बच्चे बच्चे क्यों डांस करते थे पब्लिक. और उनके कपड़े बदलने का जो टाइम होता था ना मैं वो बीच में जाके मिमिक्री करता था. तो वहां से मुझे मेलोडी मेकर्स वालों ने देखा और मैं ऑर्केस्ट्रा में आया. ऑर्केस्ट्रा में मुझे किशोरदा मिले उसी शो में मुझे आशा जी ने देखा और बस उसी तरह. तो मैं एक्चुअली आपने ये सवाल पूछा ये वाह क्या बात है क्या जर्नी है. बहुत सारे लड़के नहीं एक ही आदमी था. ब्यूटीफुल जर्नी. थैंक यू सर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.